गुप्त सूचना के आधार पर शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 ने एक घर में छापेमार कार्रवाई कर देसी विदेशी समेत कुल 2,25,480 रुपए की शराब पकड़ी है। कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूनिट इंचार्ज PI शिवराम कुमरी रात करीब 1 बजे अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इसी बीच उन्हें गुप्त सूचना मिली कि राशिद ने बड़ी मात्रा में अवैध रूप से शराब जमा करके रखी है। PI कुमरी अपनी टीम के साथ राशिद के घर पहुंचे और तलाशी शुरू की जिससे यह जानकारी सही साबित हुई। पुलिस को विदेशी शराब की 15 पेटियां, देसी शराब की 35 पेटियां और बियर की 15 पेटियों समेत कुल 2,25,480 रुपए का माल मिला है। गिरफ्तार आरोपियों में चंदन नगर निवासी संजय दिनानाथ कोहली और राशिद नियाज अली बताए गए हैं जबकि फरार आरोपी का नाम दीपक दीनानाथ कोहली है। दीपक और संजय भाई है जबकि राशिद संजय के यहाँ किराए से रहता है। पूछताछ में पता चला है कि राशिद के साथ उसका मकान मालिक संजय और दीपक भी इसमें शामिल है। पुलिस ने संजय को भी गिरफ्तार कर लिया है लेकिन दीपक नहीं पकड़ा गया। त्याचा उद्देश असा होता है कि आता लॉकडाउन लागणार आहे आणि त्यामध्ये सगळं वाइन शॉप वगैरे बंद असतात त्या दरबंच्या दरम्यान तो डबल भावाने विकण्याच्या उद्देशाने त्या ठिकाणी तो जास्त साठा करून ठेवलेला होता असं आमचं म्हणणं आहे। कार्यवाही अपर पुलिस आयुक्त सुनील फुलारी, DCP गजानन राजमारी, ACP सुधीर नंदन बाग के मार्गदर्शन में PI कुमरी, API विजय कसुदन, ओम प्रकाश सोनटके, देवेंद्र चव्हाण, राजकुमार शर्मा, प्रशांत कोड़ापे, युवानंद कड़ू, सतीश ठाकरे, आशीष शिरसागर, सचिन तुमसरी, अविनाश ठाकुर, वर्षा कोंगलवार, नरेंद्र पांते, लीलाधर भेंडारकर आदि ने की। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवा की रिपोर्ट।